रिपर्टरी में हम अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपर्टरी देखते हैं, कैंट्स रिपर्टोरियम, कैंट्स रिपर्टोरियम जनरल, कैंट्स रिपर्टोरियम जनरल, ठीक, जिसे जिसके ऑथर हैं डॉक्टर जोस्ट, डॉक्टर जोस्ट कुंजली, डॉक्टर जोस्ट कुंजली या जे कुंजली, इनके क्या हैं ऑथर हैं। इसका जो फर्स्ट एडिशन था 1987 में, इसका जो फर्स्ट एडिशन था 1987 में जर्मन लैंग्वेज में आया था, बर्थल एंड बर्थल पब्लिक, जिसे किसने पब्लिश किया था, बर्थल एंड बर्थल पब्लिश्ड जर्मनी में, ठीक। तो जो फर्स्ट जो एडिशन था 1987 में आया था, जर्मन लैंग्वेज में आया था, बर्थल एंड बर्थल ने क्या किया था, इसे पब्लिश किया था जर्मनी में, ठीक है ना। ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, इंग्लिश में से ट्रांसलेट किया गया 1990 में, 1990 में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। बेस्ड ऑन कैंट रिपर्टरी, ये किस पे बेस्ड है, कैंट, जो कैंट्स रिपर्टरी है उस पे बेस्ड है, एंड ये फॉलो करता है कैंट्स पैटर्न ऑफ प्लान एंड कंस्ट्रक्शन। जो इसका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन है वो पूरा किसको फॉलो करता है, कैंट्स को, एंड अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक भी है जो है प्रॉपरली किसके अकॉर्डिंग है, कैंट्स। तो कैंट्स के प्लान एंड कंस्ट्रक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक को ये क्या करता है, फॉलो करता है, कौन, डॉक्टर जोस्ट कुंजली, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें जो मेडिसिन है 689 इसका क्या है, टोटल मेडिसिन हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है 72 डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेस हैं उनका यूज़ करके इस रिपर्टरी को बनाया गया है। आगे बात करेंगे कुंजली एडेड मैनी ऑब्जर्वेशन ऑफ हैनीमैन फ्रॉम हिज क्रोनिक डिजीज एंड मटेरिया मेडिका प्यूरा, क्रोनिक डिजीज एंड मटेरिया मेडिका प्यूरा से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को कुंजली ने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। आगे बात करेंगे ओरिजिनल रिपर्टरी जो है कंटेंट, उसमें रेड पॉइंट, जो ओरिजिनल रिपर्टरी है उसमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक रेड डॉट्स या रेड पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जिसे हम क्या बोलेंगे, रेड पॉइंट्स ऑफ कुंजली, रेड पॉइंट्स ऑफ कुंजली बोलते हैं, ठीक है। रेड पॉइंट्स बोल सकते हैं, रेड डॉट्स बोल सकते हैं, एग्जैक्टली हम इसे बोलते हैं रेड पॉइंट्स ऑफ कुंजली बोलते हैं। जो रेड डॉट्स हैं या पॉइंट्स हैं आर फेमस इन होम्योपैथिक सर्कल, होम्योपैथिक सर्कल में जो है रेड पॉइंट जो है, रेड डॉट है, इस रूप में ये क्या हुआ था, फेमस हुआ था, ठीक है। आगे हम देखेंगे रेड पॉइंट जो एग्जैक्टली क्या बताता है, रेड पॉइंट जो है कुंजली ने अपनी रिपर्टरी में दिए वो एग्जैक्टली क्या बताता है, रिप्रेजेंट करता है कुंजली ऑन थेरापेटिक एक्सपीरियंस, कुंजली ऑन थेरापेटिक एक्सपीरियंस, कुंजली का जो खुद का जो थेरापेटिक एक्सपीरियंस है खुद का उसे वो बताता है। एट सम प्लेसेस ब्लैक पॉइंट्स आर फाउंड बिहाइंड द ड्रग, ड्रग के पीछे कुछ प्लेस में ब्लैक पॉइंट्स हैं, आर फाउंड इन बिहाइंड, कुछ ड्रग के पीछे कुछ ब्लैक डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, इट मींस थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ दैट रेमेडी, ये क्या बताता है, थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ दैट रेमेडी, थेराप्यूटिक एफिकेसी को बताता है, थेराप्यूटिक एफिक ब्लैक स्पॉट जो है जो ड्रग के पीछे दिए गए वो बताता है, थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ दैट मेडिसिन हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली वेरीफाइड, फ्रिक्वेंटली वेरीफाइड, ये हमको बताता है। और लास्ट है इसमें ओमिटेड 7 ड्रग फ्रॉम कैंट्स, कुंजली ने 7 ड्रग्स को क्या किया था, उससे क्या उन्हें पूरे कैंट को फॉलो किया था, लेकिन जो कैंट के जो ड्रग हैं उसमें से ही ओमिटेड 7 ड्रग्स फ्रॉम कैंट, जो कैंट के जो 7 टोटल मेडिसिंस हैं उसमें से 7 ड्रग को उन्होंने क्या कर दिया था, ओमिटेड कर दिया था, निकाल दिया था। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, कुंजली रिपर्टरी का, जो डॉक्टर
जोस्ट कुंजली ने लिखा है उसका एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब में रेड पॉइंट ब्लैक पॉइंट मोस्ट कॉमनली आता है, और शॉर्ट नोट्स में भी ये हमें एग्जाम में आ सकती है BHMS के डिप्लोमा कोर्सेज में, एंड जो MD जो रिपर्टरी में कर रहे हैं उन्हें भी ये एग्जाम में मिल सकता है। ठीक,